कोरोना के कम होते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत करेंगे। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,31,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने, तो वही 2,705 मरीजों की मौत। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, तीसरी लहर में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर नागरिक अस्पताल में 186 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। हिसार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित रामायण टोल प्लाजा पर 36 घंटे के बाद भी किसानों ने जाम जारी रखा है। किसान नेताओं ने घंटों तक मीटिंग चली लेकिन चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। टोहाना नागरिक अस्पताल में विधायक देवेंद्र बबली की गाड़ी में बैठे निजी सचिव पर जानलेवा हमले करने के मामले में शहर और सदर पुलिस की टीमों ने किसान नेता रणदीप रम्मी के घर पर छापेमारी शुरू कर दी। रादौर के अधिकारियों की रेकी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को एसईटी ने गिरफ्तार कर लिया। व्हाट्सएप ग्रुप पे लंबे समय से खनन विभाग और आरटीए विभाग की रेकी की जा रही थी। सोनीपत में रेप पीड़िता के परिजनों पर फूटा गुस्सा। कार्रवाई नहीं होने पर नाराज महिलाओं ने एसपी आवास पर की नारेबाजी। सदर थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीव कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस एमएलपी अर्जी पर सुनवाई करेगा। दो दिन बाद फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 27 पैसे तो डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल 94.76, डीजल 85.66 प्रति लीटर हुआ।